जी, अभी मैं आपको कुछ समर ड्रिंक्स बता रही हूँ जो इंस्टेंट एनर्जी देंगी आप लोगों को। इसमें ना सबसे पहले जो मेरी ड्रिंक आ रही है वो है चना सत्तू। सत्तू जो है बहुत ही पावरफुल ड्रिंक है और बहुत ठंडा होता है समर्स में। बहुत अच्छा कूलर है एक तरह से ये। तो कुछ नहीं करना आपको, कोई भी एक अच्छी क्वालिटी का ना भुना हुआ चने का पाउडर लेना है। अगर ऑर्गेनिक मिल जाए 24 मंत्रा का या कोई भी बिग बास्केट पे अवेलेबल है बहुत सारे चना सत्तू, उसका पैकेट आपको लेना है। और उसको आपको एक ब्लेंडर में डालना है 3 चम्मच। उसके अंदर आपको एक गिलास भर के पूरा पानी डालना है। और फॉर द टेस्ट आप उसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल सकते हो, थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा सेंधा नमक, एक नींबू निचोड़ सकते हो, थोड़ा पुदीना की पत्ती डाल सकते हो। और इसको ब्लेंड करना है ब्लेंडर में और इसको पी जाना है। और इट इज़ लाइक इट टेस्ट ऑसम, बिल्कुल साउलफुल रेसिपी है ये। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा समर ड्रिंक्स में। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है मेरा वो है आम पन्ना। आपको क्या करना है, कच्चा आम लेना है, उसको छोटे छोटे पीसेज में कट करोगे। उसके बाद एक पैन में पानी गरम करना है, वो पीसेज उसमें डालने हैं। थोड़ा सा उसमें जैगरी डाल सकते हो आप टेस्ट के लिए, गुड़ डाल सकते हो या जैगरी पाउडर डाल सकते हो। और इसके अलावा थोड़ा सा उसमें पुदीना डालना है, सौंफ डालना है, भुना हुआ जीरा और काली मिर्च डालना है, थोड़ा सा सेंधा नमक डालना है। इसको आपको 5-7 मिनट के लिए बॉयल करना है। और उसके बाद आपको ये आपका आम पन्ना कंसंट्रेट बनके रेडी हो गया है। या तो आप इसको एक ग्लास के कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हो, और जब भी आपको कभी रिफ्रेशिंग फील करना हो एकदम से, तो आप 2 चम्मच इसका कंसंट्रेट लो और उसमें पानी मिक्स करो ठंडा, या घड़े का पानी मिक्स करो और उसको भी आप पी सकते हो। ये भी बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। अच्छा, उसके बाद जो मेरा थर्ड जो है वो है छाछ। छाछ भी एक गर्मियों में बिल्कुल वरदान की तरह है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 2 चम्मच दही डालना है। लो फैट कर्ड ले सकते हो या घर का जमाया हुआ जो दही होता है वो भी चलेगा, वो आपको लेना है इसमें। और उसके साथ आपको 1 गिलास पानी डालना है, 2 चम्मच दही लेना है, 1 गिलास उसमें पानी डालना है, थोड़ा सा धनिया पत्ती, थोड़ा सा पुदीना पत्ती डालना है, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च और सेंधा नमक, ये डाल के इसको ब्लेंड करो और इसको पियो। बहुत टेस्टी लगता है ये भी। जो मेरा एक और जो ऑप्शन है वो है तरबूज का जूस, वाटरमेलन जूस। कुछ नहीं करना, वाटरमेलन लो, ब्लेंडर में डालो, थोड़ा सा उसमें नींबू निचोड़ दो, टेस्ट के लिए हल्का सा जैगरी डालो या ना भी डालो तो भी चलेगा, थोड़ा सा काली मिर्च डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, और उसको ब्लेंड करो और बस उसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लो ताकि उसके बीज बीज सब निकल जाएं। और वाटरमेलन जूस जो है बहुत ही रिफ्रेशिंग है, इसको भी ज़रूर ट्राई करना इवनिंग में स्पेशली, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है ये। इसके अलावा जो एक और ऑप्शन है वो है लेमन मिंट वाटर। आपको क्या करना है, नींबू निचोड़ना है पानी में और पुदीना की पत्ती लेनी है, उसमें थोड़ा सा अगेन वही भुना जीरा पाउडर, काली मिर्च, काला नमक, थोड़ा सा शक्कर, अगेन इन सब चीज़ों को ब्लेंड करोगे तो एक लेमनेड टाइप का ड्रिंक बन जाएगा जिसमें मिंट फ्लेवर होगा। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको भी आप ज़रूर ट्राई करना। और इसके अलावा रागी का सत्तू आता है, रागी का सत्तू। रागी जो है इट्स रिच इन आयरन एंड कैल्शियम, तो ये एक सुपर ग्रेन की तरह मार्केट में आ रही है आजकल, बहुत ट्रेंड में भी है। तो कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ क्या करना है, 1 चम्मच रागी ली, 1 चम्मच पानी, उसका पेस्ट बनाया, फिर आपने पैन में पानी को बॉयल होने के लिए रख देना है, उसमें वो उबले हुए पानी में वो पेस्ट डालना है। उसके बाद उसको ना 5-7 मिनट के लिए बॉयल करने के लिए छोड़ दो और फिर उसको सिम गैस पे रख दो, उसको चलाते रहो साथ साथ में। मतलब हम एक रागी माल्ट बना रहे हैं, तो ये रागी का माल्ट जो है ये बनके तैयार हो जाएगा आपको। उसके बाद जब ये पानी बॉयल हो जाएगा, रागी वाला पानी, इसको कंटिन्यूसली आपको स्टिर करना है। मतलब रागी को हमें पकाना है इस पानी में, इसको कंटिन्यूसली स्टिर करते रहना ताकि ये चिपके ना और जले ना। उसके बाद इसका इस मिक्सचर को जब ये ठंडा हो जाएगा तो इस मिक्सचर को लो, इसमें थोड़ा सा दही डालो टेस्ट के लिए, थोड़े से स्पाइसेस डालो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और उसको ब्लेंड करो, और ये रागी का सत्तू बनके तैयार है। ये जो रागी माल्ट है इसको भी आप फ्रिज में स्टोर करके किसी भी ग्लास के कंटेनर में रख सकते हो। और एक और जो ऑप्शन है वो है कैरेट कांजी, गाजर की कांजी जो है वो भी बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है। गर्मी में हमने काली गाजर लेनी है, या काली गाजर अवेलेबल ना हो तो नॉर्मल वाली गाजर भी ले सकते हो, जो ऑरेंज वाली जो कैरेट आती है वो भी आप ले सकते हो। उसको आपको 1 कप
कट करके एक क्ले पॉट में, मिट्टी के बर्तन में रखना है। उसमें थोड़ा सा आपको राई डालना है, नमक, हल्दी ये डालना है, और 3 लीटर पानी डाल के अच्छे से उसको मिक्स करो। उसको 3 दिन के लिए आपको ना धूप दिखानी है, धूप में रखना है थोड़ा टाइम के लिए, ताकि उसमें फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाए। और उसके बाद ये जो कांजी है ये बनके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप इसको फ्रिज में ग्लास बॉटल में स्टोर करके रख सकते हो। ये भी बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, इसको भी आप ज़रूर ट्राई करना। सो दीज आर ऑल माई समर रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स। हाँ, एक जल जीरा भी आप ट्राई कर सकते हो, जैसे गोलगप्पे का पानी होता है उसी टाइप से धनिया पुदीना, इसकी पूरा प्रॉपर धनिया पुदीना का मिक्सचर बनाकर उसमें सारे स्पाइसेस डालकर, थोड़ा सा इमली पाउडर डालकर, गुड़ या जैगरी डालकर, भुना जीरा, काला नमक डालकर, इसका भी एक पेस्ट बना के आप अगेन एक ग्लास कंटेनर में स्टोर करके रखो इसको फ्रिज में। और जब भी आपको रिफ्रेशिंग सा कुछ पीना हो तो आप 2 चम्मच ये जलजीरा का जो मिक्सचर बना के आपने रखा है इसको ठंडे पानी में मिक्स करो और यू आर रेडी टू गो। तो ऐसे ही और भी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। ये समर सीज़न है, इसमें आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, रिफ्रेश रखना है, तो इसीलिए मैं ये रेसिपीज़ लेकर आई हूँ, ताकि डाइट करते करते आप लोगों को अगर फैटीग फील हो या आप लोगों को ऐसा लगे कि मुझे तो बहुत वीकनेस हो रही है, चक्कर आ रहा है, कमज़ोरी या डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो आप ये ड्रिंक्स पीकर अपने आप को रिफ़्रेश फील कर सकते हैं। और ये सारी की सारी जो ड्रिंक्स हैं सारी लो कैलोरी ड्रिंक्स हैं, आप इनको कभी भी पी सकते हैं, ये आपकी डाइट पर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेंगी।